बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम नीतीश देश में भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करके एक मंच पर लाने के लिए जेडीयू की ओर से अधिकृत किए गए हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत वाम दलों के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है। नीतीश कुमार की ये मुलाकात पहले कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से होनी थी, लेकिन मां का निधन होने की वजह से सोनिया गांधी देश में नहीं है। सीएम नीतीश अब से कुछ देर बाद पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में सीएम कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम के दिल्ली प्रवास का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर रखना है, और इसके लिए नीतीश कुमार विपक्ष की पार्टियों को एक मंच पर एक साथ खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं। उनका मानना है कि भाजपा को तभी भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है जब सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं। नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इसके लिए उनका समय भी तय कर दिया गया है। वहीं मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार जल्द ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार व अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार आने वाले दिनों में हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सभी को एकजुट करके आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि नीतीश कुमार का ये मानना है कि अगर देश की सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ें तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका उद्देश्य केवल विपक्षी पार्टियों को एक करना है। वहीं जेडीयू ने साफ किया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। वो दलों को एकजुट करेंगे। आगामी चुनाव में नीतीश कुमार कांग्रेस की भूमिका को भी अहम मानते हैं।